बागपत पुलिस ने 9 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा किया। हत्या की इस पूरी वारदात को अंजाम मृतक के ही 2 दोस्तों ने दिया था। आपको बता दें कि 8 जनवरी को कोतवाली बागपत क्षेत्र में ज्ञान एन्क्लेव में खाली पड़े एक प्लॉट में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर भी ईंटों से हमला किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी और शव की शिनाख्त बिनोली थाना क्षेत्र के बुढ़ेड़ा गांव में रहने वाले ज्ञानेंद्र के रूप में हुई। हत्या की वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सोनीपत बस स्टैंड के पास से आकाश गांव पाबला बागपत और पिंकू निवासी गाजियाबाद के लोनी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने हत्या के इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के ही दोस्तों ने शराब पीने के चलते हुए मामूली विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल तीनों दोस्त जन्मदिन की खुशी में शराब पी रहे थे। इसी दौरान ज्यादा शराब पीने से तीनों दोस्तों में गाली गलौज शुरू हो गई। दोस्तों ने शराब पीने के विवाद के बाद ईंटों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर शव को एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। ये बागपत थाना के अंतर्गत ज्ञान इनक्लेव में 8 जनवरी को एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, बाद में जिसकी पहचान ज्ञानी उर्फ ज्ञानेंद्र के रूप में हुई। वो बुढ़ेटा गांव का रहने वाला था, बिनोली थाने का, और इसमें हमारी सर्विलांस की टीम बाकी थाने की टीम लगी हुई थी लगातार। ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और इसमें जो चीज़ें कनेक्ट होकर के आई उसमें 2 लोग हैं, पिंकू और आकाश, इन्होंने उसको मारा था। जो उसका मोटिव था, आशय था मारने का, कोई खास बात नहीं थी। ये लोग बैठ करके शराब पी रहे थे। जो मृतक था उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, उसके लिए वो जश्न मनाने के लिए वो सब शराब खरीदे और ये उनके पूर्व परिचित थे, वहाँ पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद नशा अधिक हो जाने पर जो मृतक था उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर के इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं इन्होंने उसको ईंट से कूच करके उसके सर पे वार करके उसको मार दिया था। तो ये घटना पूरी तरह से खुल गई है और ये दोनों लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े, वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल ईंट और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।